तो आ गया आप, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक फैक्ट्स एपिसोड में। एक ऐसा एपिसोड जिसमें आप बात करते हैं कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो कि आप इसके पहले नहीं जानते थे, नहीं सुने थे, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के बारे में जिसे आपको इसके पहले नहीं पता था, पर इस वीडियो को देखने के बाद उस फैक्ट्स को आप जान जाएंगे। क्या आप इंटरनेट यूज करते हो? करते हो तब तो भी मेरी वीडियो देख रहे हो आप, तो आपको क्या पता है इंटरनेट की वेट कितना है? तो वर्ल्ड की टोटल इंटरनेट की जो वेट है वो है 50 ग्राम, एक स्ट्रॉबेरी इतने बड़ी। एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इस वेट को मेजर किया था, वर्ल्ड की टोटल इंटरनेट को उन्होंने बताया था कि जो भी इंटरनेट है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होती है और उन्हें सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला दे तो उसका वेट होता है 50 ग्राम, जो कि स्ट्रॉबेरी के बराबर है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो कीबोर्ड है वो अरेंजिंग में क्यों नहीं रहती है, अरेंजिंग फॉर्मेट में, यानी ए बी सी डी ई एफ के फॉर्म में होगी, क्यों नहीं रहती है ऐसे किधर ए बी सी डी अलग अलग लिखा हुआ रहता है, मतलब कि डी अरेंज है वो? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपको स्लो करने के लिए बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब कंप्यूटर आए थे शुरू में तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वो और ज़्यादा स्पीड में टाइप करेंगे तो वो हैंग हो जाएगी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लेटर्स को इधर उधर कर दिया गया जिसके कारण से हमारी टाइपिंग स्लो हो जाएगी और कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। और वही सिस्टम अभी तक चल रहा है, लेकिन अब तो कंप्यूटर हैंग नहीं होती है, पर वही कीबोर्ड का सिस्टम अभी चलते हुए आ रहा है, इसलिए हमारे कीबोर्ड जो होती है या मोबाइल की जो भी रहती है वो अल्टरनेटिव ही रहती है। अगर बात करें आज के टाइम में हमें फ़ोटो क्लिक करनी होती है तो हम सिंपल से एक सेल्फी ले लेते हैं ऐसे क्लिक और फोटो क्लिक हो जाती है। वही अगर मैं बात करूं अगर फर्स्ट कैमरा से हमें फ़ोटो क्लिक करनी होती तो हमें इस तरह से 8 घंटे तक सीधा बैठना पड़ता था, एक स्टैचू की तरह 8 घंटे आप बैठोगे तब आपकी एक फ़ोटो क्लिक होती थी उस टाइम फर्स्ट कैमरा से। और अब की टाइम है ये सेल्फी। क्या आपको पता है कि एवरेज निकाला जाए तो एक इंसान अपनी लाइफ की 10% जो टाइम है अपने सोशल मीडिया में यूज करने में बर्बाद करता है, या यूज कर लेता है, या मस्ती करके फ्रेंड बनाता है, या कुछ भी करता है, लेकिन अपनी लाइफ के 10% जो टाइम है वेस्ट कर देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये एक सेंसस में पाया गया था कि नॉर्मल इंसान, जो आम इंसान अपनी लाइफ की 10% जो हिस्सा है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेस्ट करता है या फिर यूज करता है। क्या आपको पता है गूगल पे रोज ऐसी वर्ड सर्चेज होती हैं 15-20% जो कि आज तक पहले सर्च नहीं हुई थी। तो वर्ड्स बहुत है दुनिया में, लोग अलग तरह के वर्ड्स सर्च करते रहते हैं। क्या आपको पता है जो हम और आप जो यूज करते हैं इंटरनेट 100% में मात्र 10% हम लोग यूज करते हैं, मतलब हम लोग 10% ही इंटरनेट को देख सकते हैं और 90% हम नहीं देख सकते हैं। वो 90% होती है डीप वेब एंड डार्क वेब, इसमें की इलीगल चीज़ें होती है। डीप वेब में तो सिक्योरिटी से डॉक्यूमेंट्स सेव रहती है, जैसे बैंक की कुछ डॉक्यूमेंट्स, गूगल ड्राइव वगैरह, ये सब हो गए डीप वेब में। और लेकिन डार्क वेब में क्राइम से रिलेटेड, ड्रग सेलिंग वगैरह, बहुत कुछ इलीगल चीज़ें होती है वहाँ पे। और हम लोग जो यूज करते हैं वो होती है सरफेस वेब, जो कि हम सिर्फ 10% है। जो भी चीज़ गूगल पे आ जाए वो चीज़ है सरफेस वेब, और जो ना आ जाए ना आए वो है डीप वेब और डार्क वेब। और डार्क वेब बहुत ही खतरनाक होता है, इसे टॉर ब्राउज़र के जरिए ये ओपन किया जा सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे कभी भी ना खोलें, आपके लिए डैमेज हो सकता है। टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं हुई है, बहुत पहले से एडवांस हो चुकी है। क्या आपको पता है सोनी ने एक लाया था अपने फ़ोन कैमरा 1998 में, जो कि कपड़े के आर पार देख सकता था, सी थ्रो क्लॉथ्स, यानी कपड़े के पीछे क्या सब कुछ दिख जाता था उस टाइम उस कैमरा से। तो इसी कारण से सोनी ने उसे अपने 70,000 मॉडल जो सेल किया था उसे रिकॉल कर लिया, मार्केट से सारे मॉडल्स को बुला लिया गया, क्योंकि उसका कोई गलत यूज ना कर सके, उसका कुछ गलत यूज ना हो। ये हो पाता था IR, उसमें एक मतलब फैसिलिटी दिया होता है, उसमें IR टेक्नोलॉजी लगाया हुआ, तो जिससे होता क्या था कि हम कपड़े के आर पार भी देख सकते थे। इसी कारण से सोनी ने अपने सारे मॉडल्स को, 70,000 मॉडल्स को वापस मंगा लिया था, ताकि कोई उसका गलत उपयोग ना कर सके और कोई तरह का क्राइम भी ना हो। क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू 2014 के सेंस 2014 के सेंसस के अनुसार अभी तक इंटरनेट 1 बिलियन से ज़्यादा वेबसाइट आ चुकी है, बन चुकी है, इसमें बहुत सारी फ्रॉड भी है, बहुत सारी यूजफुल भी है। तो ये थी कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए सही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक फैक्ट्स वगैरह और नॉलेजफुल वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।